नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पैथोलॉजिकल जॉइनिंग। तो क्या क्या क्राइटेरिया है पैथोलॉजिकल, जब भी आप न्यूनेट का केस प्रेजेंट करोगे तो फिजियोलॉजिकल वर्सेस पैथोलॉजिकल जॉइंटिस पूछा जाएगा, और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के कुछ पॉइंट होते हैं उनको ध्यान से सुनना, वैसे ही बताना। पहला, जॉइंटिस विद इन 24 आवर्स। अगर किसी को जॉइंटिस किसी बच्चे को 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट किया तो उसका एक ही मतलब है, वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो यूजली 3 दिन के पहले नहीं, टर्म है तो 3 से 5, प्री टर्म है तो 3 से 7। लेकिन अगर कोई भी बच्चा कोई भी न्यूनेट विद इन 24 आवर्स जॉइंटिस के रूप में प्रेजेंट किया तो पैथोलॉजिकल ही जॉइंटिस होगा। उसका मोस्ट कॉमन काज यूजली RH इनकम्पेटिबिलिटी या ABO इनकम्पेटिबिलिटी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर्म और लेग। आर्म लेग मतलब फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है रेमर्स रूल के अनुसार फोर्थ पार्ट में सेकेंड डे में आ गया। अगर सेकेंड डे में फोर्थ पार्ट में आ गया तो वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल है, या उसके लाइफ में किसी भी दिन कोई भी इरेस्पेक्टिव ऑफ एज पाम एंड सोल पे, यानी फिफ्थ पार्ट में, पाम एंड सोल पे फिफ्थ पार्ट में पहुंच गया तो वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। चौथा पॉइंट है इनक्रीज टोटल सीरम बिलिरुबिन 5 mg/dL/day। प्रत्येक दिन, एक दिन यानी 24 घंटे में 5 mg/dL से ज्यादा, 5 mg/dL या उससे ज्यादा बढ़ रहा है टोटल सीरम बिलिरुबिन, तो ये भी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। इसी को उन्होंने 8 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 24 से डिवाइड करके, कि अगर 0.2 mg/dL/hour, इतना तो कोई करा नहीं पता लेकिन डिफिनीशन है, अगर इससे या इससे ज्यादा बढ़ रहा है तब भी वो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। या कोई बच्चा आपको एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, ABE मतलब एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, या कर्निक ट्रेस के रूप में प्रेजेंट किया तो वो भी पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी और कर्निक ट्रेस दोनों अलग चीज है। कर्निक ट्रेस को बोलते हैं क्रोनिक बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, दोनों में ही बेसल गैंग्लिया डैमेज होते हैं, दोनों में ड्यूरेशन का फर्क होता है, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी एक्यूट कंडीशन होता है और कर्निक ट्रेस क्रोनिक कंडीशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्य प्रोलॉन्ग जॉइंटिस। अगर किसी को प्रोलॉन्ग जॉइंटिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है, टर्म बेबी है तो विद इन 2 वीक्स सबसाइड हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है और अगर प्री टर्म बेबी है तो विद इन 3 वीक सबसाइड हो जाएगा। अगर कोई बच्चा टर्म है और 2 वीक के बाद भी प्रेजेंट कर रहा है जॉइंटिस, इसका मतलब वो प्रोलॉन्ग जॉइंटिस है। प्रोलॉन्ग जॉइंटिस पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉइंट। अगर प्री टर्म है और 3 वीक से ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये प्रोलॉन्ग जॉइंटिस है, और प्रोलॉन्ग जॉइंटिस एक काज है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के आपके 7 काज है, ये इंपॉर्टेंट काज है। अच्छा, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के ये मतलब ऐसे हम पहचानेंगे, लेकिन क्या काज क्या क्या होते हैं, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट काज होते हैं। पहला जो होता है ABO RH इनकम्पेटिबिलिटी, चाहे उसको RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, पहला काज है ABO या RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। दूसरा जो काज है एक्स्ट्रा वसेटेड ब्लड, जैसे सिफल हिमेटोमा, बच्चों स्कैल्प में, बच्चों में यूनिट में स्कैल्प में सिफल हिमेटोमा है, उसमें इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गई जिसके कारण ये भी पैथोलॉजिकल। तीसरा क्या काज है इंक्रीज इंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन ड्यू टू इनइफेक्टिव, ठीक है, फीडिंग, इनइफेक्टिव फीडिंग, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत कॉमन है, हालांकि इससे फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ही होता है, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा फीडिंग मिसमैच होता है जिसके कारण पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाता है। ABO RH इनफेक्टिव, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, RH निगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। बच्चे का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव, मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, तो उसे बोलेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी। ABO क्या होता है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और बच्चे का अदर देन O पॉजिटिव है, अदर देन O, तो उसको बोलेंगे
एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव हो गया तो उसमें एबीओ नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, मदर का ओ पॉजिटिव होना ही चाहिए प्लस बच्चे का अदर देन ओ होना चाहिए। मान लीजिए मदर का ए है, बी है, ए बी है, नहीं होगा, ठीक है। बच्चे की माँ का ओ पॉजिटिव हो और बच्चे का ओ पॉजिटिव ना हो, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ओ पॉजिटिव सेम एंटीजन एंटीबॉडी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज है, सिर्फ ओ के साथ क्यों, ठीक है, ओ के साथ ही क्यों, ठीक है। तो होता क्या है, जो और सब ए के साथ बी के साथ जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM टाइप का होता है, IgM टाइप का, ठीक है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप के साथ एंटीबॉडी बनती है वो IgG टाइप का होता है। और दीदी द स्मॉलेस्ट साइज, ये ओनली एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, बच्चे मदर से बच्चे में जाता है, इसीलिए सिर्फ ओ के साथ ही एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी होता है, इसका कारण ये है। तो पहला सबसे पहले मदर का ब्लड ग्रुप देखना, एमबीजी, मदर ब्लड ग्रुप एमबीजी है, अगर मदर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, ओ नहीं है और पॉजिटिव है, अगर मदर का पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और सॉरी हमने शायद उल्टा बता दिया, बच्चे का आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, मदर का आरएस निगेटिव, वहां पर करेक्ट करना, बच्चे का आरएस पॉजिटिव हो जाए मदर का निगेटिव, अगर मदर का निगेटिव नहीं पॉजिटिव हो गया मदर का तो आरएस तो गया, आरएस नहीं होगा, और अगर मदर का अदर देन ओ हो गया यानी ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव कुछ और हो गया तो एबीओ भी नहीं होगा। इसलिए ज्वाइंटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था एमबीजी देखते हैं, मदर ब्लड ग्रुप, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव आया अब हमारे पास रिस्क है कि हम बच्चे का कराएं, अगर बच्चे का ओ पॉजिटिव के अदर कोई और आता है तो चार पॉसिबिलिटी है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है, यानी 20% ही चांस है कि ना हो, 75% चांस है हो जाएगा ना उसके अलावा। तो ये इंपॉर्टेंट, आरएस तो सबको याद रहता है, एबीओ वाला ठीक है। एक्स्ट्रावेटेड ब्लड, अगर कहीं उसको सिफेट हुआ बहुत सारा ब्लड है तो ब्लड टूटेगा, आरबीसी टूटेगा, उसके बाद सीरम बिलिरुबिन बहुत ज्यादा निकलेगा तो उसके कारण हो सकता है पैथोलॉजिकल ज्वाइंट। इंक्रीज इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन, होता क्या है इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, बाइल आया, ठीक है, बाइल में होता है बिलिरुबिन और वो जीआईटी में गया, फिर वो जाके रीअब्जॉर्ब होता है लीवर में, फिर जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। और होता क्या, जैसे कोई मदर है वो फीडिंग सही से नहीं करा रही, किसी बच्चे को 20 ml फीड चाहिए वो 10 ml दिए तो डिमांड तो ज्यादा है, तो क्या करेगा बॉडी, क्या करेगा बच्चे का, वो इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन बढ़ा के ताकि न्यूट्रिशन को ज्यादा ज्यादा अब्जॉर्ब करे, अगर न्यूट्रिशन ज्यादा अब्जॉर्ब करे तो टोटल सीरम बिलिरुबिन भी ज्यादा, एक ये कारण। दूसरा, अगर 20 ml उसको चाहिए फीड और 10 ml ज्यादा है तो उसको रिलेटिवली डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन के कारण भी सीरम बिलिरुबिन ज्यादा अपीयर होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट काज है, ओवरऑल बहुत कॉमन काज है, ठीक है, इनइफेक्टिव फीडिंग, ठीक है, जिसे आपने जैसे आपने दो ज्वाइंटिस पढ़ा होगा, एक होता है ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस, एक होता है ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब फीडिंग में प्रॉब्लम है और ब्रेस्ट मिल्क मतलब ब्रेस्ट मिल्क में प्रॉब्लम है। तो ब्रेस्ट मिल्क में एक प्रेग्नेनोडियाल, ठीक है, प्रेग्नेनोडियाल एक लिपिड सब्सटेंस होता है जो क्या कहता है इंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, जिसके कारण वो ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस होता है। उसके लिए कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करना होता है, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क ज्वाइंटिस। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ज्वाइंटिस है, इनएडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है, तो हमें फीडिंग इंश्योर करना है। फीडिंग इंश्योर कैसे करेंगे, अगर कोई बच्चा सही से दूध पी रहा है तो दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटा सोएगा, उसका डेली वेट गेन होगा, ठीक है, अगर टर्म बेबी है तो 20 से 30 ग्राम पर डे और प्री टर्म है तो 10 से 20 ग्राम पर डे। लेकिन ये एक शुरुआत के 10 दिन बच्चे वेट लॉस करते हैं, प्री टर्म है तो लगभग 10 दिन तक शुरुआत में वेट लॉस कर 10 से 15 दिन लॉस कर सकता है और टर्म है तो 7 से 10 दिन। तो शुरुआत के तो 10 दिन लॉस करेगा तो वहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। और दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा दूध सही से पी रहा है तो 24 घंटे में 6 से 8 बार सुसु करेगा, यानी 6 से 8 बार उसका डायपर चेंज हो रहा है, 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है। इसका मतलब ये होता है एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कैसे डिटेक्ट करेंगे, पहले 10 दिन में तो हम वेट गेन वाला देख नहीं पाएंगे, प्लस वेट गेन घर पे तो हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि घर पे मदर क्या कर रही होगी, मदर तराजू लेके तो घूम नहीं रही होगी, सबके यहाँ अवेलेबल नहीं, तो दो चीज़ है वहाँ पे
ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद अगर 2 से 3 घंटा सो रहा है इसका मतलब उसका फीडिंग सही है, या 6 से 8 बार डायपर चेंज करें यानी 6 से 8 बार वो यूरिन पास कर रहा, ये एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन काज होता है यही, जब आप पेस्ट लोगे या फिर ढंग से स्टील लोगे तो यही कारण। तो आपका पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता क्या है, कैसे उसको, ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी होगा प्लस काज है, काज को करना। अब जैसे अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी है तो वहाँ पे फिर आपको NTD वगैरह मदर को जो पहले मदर में मैनेजमेंट होता ही है, प्लस इसमें कभी कभी इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ सकता है। ABO में इतना सीवियर नहीं होता है, धीरे धीरे वो करता है, फोटोथेरेपी देते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उसके बेसिस पे हम देखते रहते हैं। ABO वाले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, RH वाले में थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो ब्लड होता है सेफेटोमा, वो अपने समय के साथ धीरे धीरे कम होता है। हाँ, इसमें क्या होता है, जॉइंटिस प्रोलॉन्ग रहेगा, बस इतना होता है। अब जैसे कोई आपके पास आया बच्चा, तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, एक जॉइंटिस का बच्चा आया आपके पास तो अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो देखेंगे यूजली फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होगा तो 3 to 5 days के बीच में आएगा, ठीक है। अगर विद इन 24 आ गया वो आ गया, पैथोलॉजिकल आ गया तो पैथोलॉजिकल बीच में, ठीक है। मान लो कोई जॉइंटिस का बच्चा आया 3rd day, तो आपको कैसे करेंगे, तो उसमें दो चीजें, विजुअल इंस्पेक्शन, कौन सा रूल, ठीक है, एक तो रैमर्स रूल से अपना वो करके उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिए, ठीक है। ये 12 आर भी करना, या तो TCB ट्रांसक्यूटेनस बिल्रोमीटर से मेजर कर लिए। अगर कोई बच्चा 3rd दिन आया तो हर 12 घंटे यानी सुबह शाम उसका टोटल सीरम बिल्रोबिन मेजर करना है, चाहे आप ट्रांसक्यूटेनियस बिल्रोमीटर से कर लो, या दूसरा आप कर सकते हो विजुअल इंस्पेक्शन रैमर्स रूल का एप्लीकेशन करते हुए। अब इसमें आने के बाद हो सकता है आपको सीरियस जॉइंटिस मिले, सीरियस जॉइंटिस मिलेगा तो स्टार्ट फोटोथेरेपी, तुरंत स्टार्ट कर देना फोटोथेरेपी और इवेलुएट करना है काज, जो काज है उसको ट्रीट करना। मान लो इन एडिक्वेसी आप ब्रेस्ट फीडिंग है उसको ट्रीट करना, एक्स्ट्रावेजिटेड ब्लड है बहुत ज़्यादा है तो आप उसको इवेकुएट करो, इसे जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सबसाइड हो जाता है, ठीक है। RH ABO इनकम्पेटिबिलिटी है तो उसके अनुसार मैनेज, मतलब जो भी काज है उसको इवेलुएट करना है, अगर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो मैनेज करना है, नहीं तो वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। फोटोथेरेपी तुरंत स्टार्ट कर देना है। दूसरा, नॉट सीरियस, सीरियस नहीं है लेकिन आपने फिर सीरियस नहीं है तो आप क्या करोगे, टोटल सीरम बिलरुबिन कराओगे, ब्लड सैंपल भेजोगे, उसके बाद हो सकता है टोटल सीरम बिलरुबिन जब आपके पास आए तो हो सकता है सिग्निफिकेंट जॉइंटिस हो। अगर सिग्निफिकेंट जॉइंटिस है तो क्या करना है, इधर चला जाएगा, स्टार्ट फोटोथेरेपी करेंगे और इवेलुएट काज करेंगे, स्टार्ट फोटोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे, सिग्निफिकेंट है। और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है, नो सिग्निफिकेंट, तो आपको करना क्या है, इवेलुएट इवरी 12 आर्ली 5 दिन तक इवेलुएट करेंगे, 5 दिन तक इवेलुएट करेंगे, अगर उसको आता है इस दौरान कभी सिग्निफिकेंट तो फोटोथेरेपी देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। और अगर 5 दिन के बाद भी नहीं आता, इसका मतलब वो फिजियोलॉजिकल था और उसमें कोई नहीं, अगर यहाँ पे कोई चीज़ लग रहा है तुम्हें, काज मिल रहा है, मतलब इनफेक्टिव फीडिंगनेस, वो सब चीज़ें करते रहना, ठीक है। तो इस तरह से अप्रोच करना है, ट्रीटमेंट बेसिकली फोटोथेरेपी होता है, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन होता है।